अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू नगीना कुकिंग सीक्रेट। फालसे का शरबत तैयार हो रहा है। ये 2 kg फालसा था, अच्छे तरीके से हमने धो के इसको और 3 गिलास पानी ऐड किया है और इसको हमने 15 मिनट पकाया है और कुछ नहीं ऐड किया। 15 मिनट पक चुके हैं ये। अब हम इसको ठंडा करते हैं, फिर आपको बताते हैं बाकी का प्रोसीजर। फालसे में हमें बहुत सारी इंसुलिन मिलती है, ये इंसुलिन का ख़जाना है। अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो, शुगर पेशेंट के लिए ये बहुत ही मुफीद है। फलाद है, इसमें खून बनाता है। आपको बताते हैं इसको ठंडा करने के बाद कि अब आगे क्या करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। इसको हम ब्लेंडर जग में डालेंगे, खूब ब्लेंड करना है इसको। दो मिनट के लिए हमने इसको ब्लेंड करना है, बल्कि ज़्यादा ही कर सकते हैं, जब तक अच्छे से इसका बिल्कुल बारीक अमेजा ना बन जाए। क्योंकि हमने ना इसको भुनना भी है बाद में, जितना बारीक बनेगा इसका अमेजा उतना ही भुनने में हमें आसानी होगी। के लिए हमने इसको ना मशीन को चलाया है और देखें माशाल्लाह कितना बारीक हो गया है। सभी को हम कर लें, फिर आपको दिखाते हैं। सभी फालसे को हमने अच्छे तरीके से ब्लेंडर में डाल के बारीक कर लिए है। देखें माशाल्लाह, अब हमने इसको भुनना है। देखें इस तरीके से हमने सारा जो है ना भुन लेना है, छान लेना इसमें अच्छे तरीके से। सारे फालसे को के शरबत को हमने भुन लिया है। देखिए माशाल्लाह, पानी डाल के भुने, आप भी पानी ऐड कर लीजिएगा। अल्लाह ना करे जिस घर में कोई शुगर पेशेंट है ना, वो इसमें जो हम आप चीनी ऐड करने लगे ना, वो ये ना करें। बाकी सारा प्रोसीजर वही है, चीनी नहीं बस ऐड करनी। तो ये इंशाल्लाह ताला 3-4 माह तक आप सेव कर सकते हैं फ्रिज में। वन स्कूप, टू स्कूप, सिर्फ हमने इतनी ही चीनी ऐड करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो सारी फालसे की अफादियत जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। फिर मैं हम आपको बता रहे हैं, जो लोग हैं शुगर पेशेंट वो चीनी नहीं ऐड करेंगे। बाकी सारा प्रोसीजर यही है, 3-4 माह के लिए इसको सेव कर सकते हैं। अब हम इसको पकाएंगे, क्योंकि कच्चा पानी ऐड किया है तो इसको पकाना है। एक चम्मच हम व्हाइट विनीगर ऐड करेंगे। जब आप लोग इसको बना लेना है, ये फालसे का शरबत जो है ये फुल है, इसमें इंसुलिन। शुगर पेशेंट सुबह नाश्ते में लें, सारा दिन उनको इंसुलिन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो रोज़मर्रा के कामों में हमारे जिस्म में इंसुलिन की कमी हो जाती है। जो अनीमियक लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, नाश्ते में करें। अनीमिया पेशेंट जो है ना वो इसको नाश्ते में इस्तेमाल करें। 1 गिलास, तो
इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनका जो है ना ब्लड बनना शुरू कर देगा। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि एक बोतल में उनका कितना ब्लड बना है जब एक बोतल आप इस शरबत की पी लेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना थिक हो गया है, बिल्कुल तैयार है फालसे का शरबत हमारा। इतनी ही थिकनेस चाहिए हमें। आप इसको ठंडा करते हैं और जिन बोतलों में डालना है उसको अच्छे तरीके से धो के खुशक कर लें। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए वरना ये हमारा शरबत खराब हो जाएगा। बोतलों में डाल के पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको ठंडा करके हम बताते हैं कैसे इसको सर्व करना है। फालसे का शरबत बिल्कुल तैयार है। सबसे पहले आइस क्यूब डालते हैं। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के दिल से निकलनी है जिस जिसने ये पिया मेरे लिए जी। इतनी क्वांटिटी डालनी है शरबत की वाटर ऐड करेंगे। शुगर पेशेंट जो लोग हैं उनको बताया था कि आप लोगों ने चीनी नहीं ऐड करनी, बाकी सारा यही प्रोसीजर है। बहुत मजे का बनता है ये। चिल वाटर ऐड कीजिएगा इसमें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे भी याद कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।